क्वेश्चन नंबर 20 हम करते हैं, 4.1 का लास्ट क्वेश्चन। तो ये इक्वेशन हमें गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं और फिर हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। देखिए तो हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता है कि ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसमें ए जो है वो ए इक्वल है ए प्लस बी के, और इसमें हमारे पास b जो है वो इक्वल है a प्लस टू बी प्लस सी के, और जो हमारे पास c है वो इक्वल है b प्लस सी के। ये जो वैल्यू है ये c के इक्वल है, ये हमारे पास b है और ये a है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम पुट करते हैं, जो हमारे पास x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और नीचे टू ए, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब ए बी और सी इन तीनों की वैल्यूज हम इसी क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके इसे सोल्व करेंगे। तो हम पुट करते हैं, अब बी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि ए प्लस टू बी प्लस सी है। नेक्स्ट प्लस माइनस, तो प्लस माइनस लिखेंगे और ये अंडर रूट में b की जगह पे दोबारा ये वैल्यू a प्लस टू बी प्लस सी होल स्केयर, b का स्केयर है तो इस वैल्यू का भी स्केयर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है माइनस फोर, माइनस फोर और a की जगह पे a प्लस b और इस c की जगह पे ये जो c है c की वैल्यू जो कि b प्लस c है, तो नीचे जो है हाँ टू और एक जगह पे दोबारा ये वैल्यू लिखेंगे जो कि a प्लस b है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, स्पेशली इसका जो स्केयर है, स्केयर खोलेंगे और इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके फोर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। हम बारी बारी करते हैं, माइनस ए प्लस टू बी प्लस सी। अब इसका स्केयर खोलेंगे, ये फॉर्मूला जो क्वेश्चन नंबर 19 हमने किया है ना उसमें भी ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर हमने खोला है बिल्कुल वैसे ही। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, बी स्केयर की जगह पे टू बी है तो टू बी का स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस टू ए बी, टू ए ए की जगह पे तो ए आ गया लेकिन बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे टू बी लिखेंगे। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू बी सी, बी की जगह पे टू बी और सी की जगह पे, सी की जगह पे जो है ना हम क्या लिखेंगे, ये सी है तो सी लिखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ए स्केयर बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए प्लस टू सी ए, सी की जगह पे सी और ए की जगह पे ए। तो ये जो है ना हमने फार्मूला ओपन किया है, फिर माइनस फोर, अब इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह बी जो है बी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो हम पहले ए को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या बनेगा ए बी और प्लस ए सी, इसी तरह बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर और प्लस बी सी, और नीचे जो है ना वो हमारे पास क्या रह जाएगा ए प्लस बी जो है वैसे रहते हैं। हमने इसमें जस्ट क्या किया है, ये फार्मूला ओपन किया है, ये वाला फार्मूला ओपन किया है और ए प्लस बी को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई किया है। अब हम क्या करते हैं,
ये जो स्केयर है ना, इसके स्केयर खोलते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस फोर को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्केयर प्लस बी सी से। तो नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन हमने समझने हैं चूंकि, करेंगे फिर ए प्लस टू बी प्लस सी। इधर हमारे पास प्लस माइनस आना था, प्लस माइनस। अब हम जो है ना स्केयर इसका खोलते हैं, ए स्केयर प्लस टू बी का स्केयर खोलेंगे तो वो फोर बी स्केयर, तो फोर बी स्केयर प्लस सी स्केयर। अब प्लस के टू ए जो है ना टू बी से मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस फोर ए बी बन जाएगा। इसी तरह प्लस के टू टू बी और सी मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास प्लस के फोर बी सी हो जाएंगे, टू टू द फोर बी और सी मल्टीप्लाई बी सी। फिर इसी तरह हम प्लस टू सी ए, अब माइनस फोर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फोर ए बी हो जाएगा माइनस के फोर ए सी माइनस के फोर बी स्केयर और माइनस के फोर बी सी। और नीचे जो है टू इंटू ए प्लस बी। इसमें हमने क्या किया है, जैसे इनके स्केयर जो है ना वो ओपन किए हैं और उसके बाद जो है ना माइनस फोर को अंदर दोनों से इनसे मल्टीप्लाई किया है। तो नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, देखें इसमें अब हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू ये वैल्यू तो वैसी की वैसी आएगी माइनस इंटू ए प्लस बी ए प्लस टू बी प्लस सी और फिर प्लस माइनस। और ये अब देखें इसमें ए स्केयर है प्लस फोर बी स्केयर प्लस सी स्केयर, तो ये प्लस का फोर बी स्केयर ये माइनस के फोर बी स्केयर से कैंसल हो जाएगा। इसी तरह प्लस सी स्केयर है, अब ये प्लस फोर ए बी है तो ये माइनस के फोर ए बी है तो ये भी आपस में कैंसल हो जाएंगे। अब प्लस के फोर बी सी और माइनस के फोर बी सी ये भी आपस में कैंसल हो जाएंगे। अब इसमें हमारे पास माइनस के फोर ए सी है और प्लस के टू से ई है तो माइनस के फोर ए सी में से हम प्लस के टू सी ए निकालेंगे तो बाकी माइनस के टू सी ए रह जाएंगे। तो हम लिखते हैं इसे कैंसिल करने के बाद, नीचे टू इंटू ए प्लस बी वैसा का वैसा, कैंसिल करने के बाद हमारे पास ए स्केयर प्लस सी स्केयर और माइनस के फोर ए सी में से जब हम प्लस के टू सी ए निकालेंगे तो बाकी हमारे पास माइनस के टू सी ए रह जाएंगे, बाकी सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, हमारे पास ये वैल्यू रह गई है बस। तो अब इसे हम अरेंज कर देते हैं ताकि जगह बन जाए और हम नेक्स्ट कर सकें। इसमें देखें ये हमारे पास माइनस ए प्लस टू बी प्लस सी प्लस माइनस, अब ये हमारे पास देखें हमारे पास फार्मूला बन गया। इस तरह अगर हम लिखें ए स्क्वायर माइनस टू सी ए प्लस सी स्क्वायर और इसे हम क्लोज करें अगर ना तो हमारे पास ए माइनस सी होल स्क्वायर बनता है। ए स्क्वायर
माइनस टू ए बी की जगह पे टू ए सी आ गया, इसी तरह सी का स्क्वायर। तो इसे हम क्लोज करके लिखते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ए माइनस सी होल स्क्वायर अंडर रूट में। इसे हमने क्लोज करके इस तरह लिखा है और नीचे टू ए प्लस बी। अब देखिए तो ये स्क्वायर स्क्वायरों से कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए प्लस टू बी प्लस सी प्लस माइनस ए माइनस सी और नीचे टू ए प्लस बी। तो ये हमारे पास जो है ना वैल्यू बन गई। अब दरमियान में देखें तो प्लस माइनस दोनों हैं, तो हम क्या करते हैं अलग अलग लिख लेते हैं। x जो है वो इक्वल है ए प्लस टू बी प्लस सी वन टाइम प्लस नीचे टू ए प्लस बी, और वन टाइम हम माइनस लिखते हैं x इक्वल टू माइनस ए प्लस टू बी प्लस सी माइनस ए सी और नीचे टू इंटू ए प्लस बी। हमने प्लस और माइनस अलग अलग लिख लिया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी, और प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का ए और माइनस का सी। और इसी तरह जो है ना नीचे हमारे पास क्या है टू इंटू ए प्लस बी। दूसरी साइड भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए माइनस टू बी और माइनस सी। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होंगे, माइनस ए और प्लस के सी हो जाएंगे और नीचे टू इंटू ए प्लस बी। इसमें अगर हम देखें ये माइनस का ए प्लस के ए से कैंसल, इसी तरह इसमें प्लस का सी माइनस का सी से कैंसल। तो हम नेक्स्ट करते हैं, इतना जगह काफी इसी में हो जाएगा। तो इसमें देखें ये माइनस के टू बी है और ये माइनस सी ये भी क्या हो जाएगा, तो माइनस के टू बी और माइनस के टू सी, नीचे जो है वो हमारे पास टू इंटू ए प्लस बी। माइनस के टू बी माइनस सी और माइनस ए माइनस के टू सी। बिल्कुल इसी तरह एक्स इक्वल टू ये माइनस ए है ये माइनस ए है तो माइनस के टू ए और माइनस के टू बी नीचे टू इंटू ए प्लस बी। इसमें देखें तो हम माइनस टू कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास बी प्लस सी रह जाएगा और नीचे टू इंटू ए प्लस बी। बिल्कुल इसी तरह इसमें से भी माइनस टू कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस टू जब कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी रह जाएगा और नीचे टू इंटू ए प्लस बी। ये देखें टू से टू कैंसल, तो माइनस बी प्लस सी नीचे ए प्लस बी रह जाएगा। इसी तरह इसमें से ए प्लस बी से कैंसल, टू टू से कैंसल तो माइनस का वन रह जाएगा। तो ये हमारा जो है ना एक्स की दो वैल्यूज आ गई हैं। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है बी प्लस सी बाय ए प्लस बी और माइनस का वन। ये क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ है। लेंथी क्वेश्चन था लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी।